ये एक्चुअली एक एलिवेटर है और आज का दिन बहुत ही खूबसूरत है, पूरा सनी दिन है, सनी सनी। तो ये आप देख सकते हो, बहुत जन यहाँ पे अपना लव मैसेज लिखा है। ओ, और काफी ऊपर तक, वहां तक गया है चढ़ चढ़ के, ओ बाप रे, वहां तक लिखा है, यहाँ पे भी वहां तक लिखा है। और ये इज़मीर सिटी है, आप देख सकते हो, ब्यूटीफुल दिन है आज। और एक्चुअली लोग वहाँ से आते हैं एकदम नीचे, आप देख सकते हो वो आदमी खड़ा है वहाँ पे, तो वो एलिवेटर में चढ़ेगा। एक टाइम में चार आदमी चढ़ सकते हैं एलिवेटर में, और ये आएगा पूरा ऊपर। और आज का दिन है December 29th, और लगभग 11:30 या 12 कुछ बजने वाला है। आज का मौसम बहुत ही बढ़िया है, मज़ा आ गया। तो आज देखते हैं हम कुछ करते हैं, कुछ एक्सप्लोर करते हैं, नए फ्रेंड से मिलते हैं, नया चीज़ करते हैं। और आज का दिन बहुत ही खूबसूरत है। कैसे हो भाई? भाई मीन्स हाउ आर यू ब्रदर? खूबसूरत, ब्यूटीफुल डे टुडे, खूबसूरत है, खूबसूरत। तो अभी हम नीचे आ चुके हैं, तो नीचे से ये लिफ्ट ऐसा दिखता है। Hey, Sean. Hey, I catch the cat for balls. Yeah, I catch it. I catch her. हमेशा लेस खुल जाता है, पता नहीं क्यों। सर, लेस चेंज करना पड़ेगा लगता है। ये थोड़ा प्लास्टिक टाइप का लेस जो हमेशा निकल जाता है। तो आज का डेट है एक्चुअली December 30th, और लगभग 12 बजे आज मैं आप लोगों को कहीं और लेके जा रहा हूँ, इज़मिर में ही, लेकिन वो साइड, दूसरा साइड, उसको बोलते हैं कासियाका। तो वहाँ मैं नीचे से फेरी पकड़ूंगा और सीधा वहाँ जाऊँगा। तो आज का दिन मज़ा आने वाला, क्योंकि नया लोकेशन मैंने कभी देखा नहीं, तो एक इंटरेस्टिंग रहता है। नीचे देखना पड़ता, नहीं तो गिर जाऊँगा। यहाँ से लिफ्ट कल जो गया था, पता नहीं मैं ढूंढ रहा है जो भी है। और कल ज़्यादा कुछ किया नहीं, बस घर में था, खाना वाना बनाया, केक वेक बनाया मेरे दोस्त ने, और खाए पिए। तो आज हम जा रहे हैं, मज़ा आने वाला है। और एक्चुअली कल 31st December है, और यहाँ पे कल से लॉकडाउन होने वाला है, पूरा न्यू ईयर लॉकडाउन, तो कोई जा नहीं सकता। तो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, लगभग कहीं वहाँ पे कहीं जाना है शायद मुझे, बोट वो उधर मिलेगा, वो देखिए बोट दिख रहा है, तो मुझे वहाँ तक चल के जाना पड़ेगा, काफ़ी दूर दिख रहा है। कूल, मैं समुद्र के पास पहुँच गया, और समुद्र एकदम तालाब जैसा, एकदम हल पानी कुछ नहीं, मज़ा आने वाला है। मौसम थोड़ा ठीक नहीं आज, बहुत बादल है। अभी फेरी में चढ़ने का टाइम हो चुका है, अभी चलो अपस्टेयर जाते हैं, क्योंकि अभी हम फेरी से बाहर जाने वाले हैं। चलो, वो और मजा आने वाला है, पीछे साइड। वाह, मुझे अंडमान निकोबार आइलैंड रिमाइंड कर, ये पॉपुलर गुमा, ओ अगली रिवर्स कर रहा है। तो मैंने फेरी लिया कोनैक आइलैंड से, कोनैक हार्बर से, और अपना फेरी निकल पड़ा है। और बहुत सारे सीगल्स, जिसको बोलते हैं सीगल्स, ओह दे जस्ट होवरिंग हियर।
अगर आप इजमेर आओगे तो पक्का ही बोट राइड लेना आपको पड़ेगा ही, क्योंकि आपको वो तरफ जाना भी तो बोट राइड में जा सकते हैं, लेकिन बोट राइड लेना चाहिए। और कुछ हो सके तो आप खाने के लिए कुछ लेके आ सकते हो, लेके आए, क्योंकि सीगल्स आपके ऊपर उड़ उड़ के आएगा। मैं पहुंच चुका हूं अभी यहां पे, तो यहां पे एक्सप्लोर करते हैं। वो शिप वापस जा रहा है दूसरा साइड जहां से मैं आया था, जो वहां दिख रहा है एकदम बजलिंग मार्केट, एकदम मार्केट है लग रहा है। और यहां आने के लिए आपके पास, आप ट्राम से भी आ सकते हो, ट्रेन से भी आ सकते हो, बस से आ सकते हो, पैदल आ सकते हो, आप बोट से आ सकते हो, जो मन आ सकते हो, लेकिन फेरी में आना एक अलग ही मज़ेदार है। और ये रहा अपना स्टेशन। चलो अभी मार्केट एक्सप्लोर करते हैं। अभी मैं मेन स्ट्रीट से बाहर आ चुका हूँ जहाँ पे ये बैक एली है। तो मोस्टली मैं हमेशा यही ढूंढता हूँ कि कोई बैक एली मिले फिर मैं वहाँ से चलूँ, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मली सारे लोकल्स यहीं शॉप करते हैं नॉर्मली। और यहाँ पे आपको ऑथेंटिक सामान मिलेगा, चीप मिलेगा और मज़ा आता, भीड़ भाड़ नहीं होता। तो अभी मैं एक शॉप में आया जहाँ पे साइकिल का अड्डा है, दिखाता हूँ आपको। इनका शॉप है ये, देखिए। ओहो हो हो हो, बढ़िया, साइकिल का खजाना। एक्चुअली वहां पे भी है। एक्चुअली ये सिटी बहुत ही मतलब ओपन है, ज्यादा लोग भी नहीं है। जैसा भी, जैसे मैं मार्केट से बाहर आया तो ज्यादा लोग नहीं है, एकदम ओपन सिटी है, एकदम क्लीन है। और दूर में माउंटेन भी दिखता है ऊपर में, सर के ऊपर, और बहुत से बर्ड्स भी है। मुझे अच्छा लगा ये सिटी, ब्यूटीफुल। अभी मैं क्या करूँगा पता नहीं, भूख लग रहा था, कुछ खाया मैंने, तो मैंने बोला थोड़ा स्पाइसी बनाओ, तो उन्होंने मसाला डाला, कुछ मसाला पाउडर, और पूरा मुंह एकदम जल रहा है मेरा। कुछ खाना पड़ेगा लगता है, कुछ मीठा पकलावा, मजा आएगा। ओ धूप आया, बढ़िया। तो आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। अभी मैं क्रॉस कर रहा हूँ रोड, यहाँ पे आप रोड क्रॉस कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ उल्टा रास्ता आता है। तो ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है, शायद आप लोग को ये पसंद आया होगा। और मैं दिखाता हूँ, रुकने वाला है, जाने वाला है, शायद रुकेगा, रुकेगा तो क्रॉस कर सकते हैं। तो
अंधेरा होने वाला है, मैं आपको दिखाता हूँ यू हूँ ये यहाँ से वो सिटी कैसा दिखता है वो तरफ, इजमर का वो तरफ इंटरेस्टिंग लगता है। तो लगभग आज मैंने एक जगह ढूंढ लिया, पुराना जगह जहाँ पे साइकिल मिल सकता है, तो शायद मैं वहाँ से साइकिल लूँगा, देखता हूँ। शायद कस्टमाइज भी साइकिल हो सकता है, स्टील वाला मिला है, क्रोमोपोली तो बहुत स्ट्रांग होता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सनसेट होने वाला है यहाँ पे, और यहाँ मैं चला ऑपोजिट, देखिए ऑपोजिट, कल मैं वहाँ था आज मैं यहाँ हूँ। अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब कुछ करिए, ठीक है कुछ तो करो भाई। चलो नेक्स्ट एपिसोड तक फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड इवनिंग, शुभ रात्रि, सबा खैर, जो भी आप बोलते हो, और गुड नाइट यहाँ से, इजमेर से गुड नाइट। चलो बाय बाय सब लोगों को, मिलते हैं फिर। कितना बढ़िया लग रहा है भाई, देखो ये क्लाउड, देखो अभी ये देखो कलर्स, देखो कैसे स्प्लिट होके बाहर निकला है। इट्स ये लगता है, मेरे फ्रेंड ने कल इंस्टाग्राम में एक पिक्चर डाला था, उसने बोला था जब सूरज डूबता है कलर को फ्रीडम मिलता है। सो नेक्स्ट ईयर आप लोग क्या कर रहे हो, कहीं ट्रैवल कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? तो नॉर्मली समर में खाली यहाँ लोग आते हैं, विंटर में कोई नहीं आता, क्योंकि पहला बात तो आपको विंटर में हीटिंग फैसिलिटी चाहिए यहाँ पे, और इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ सब अबैंडन्ड है।